ज्ञान शोरी साहब ने कहा कि कंप्यूटिंग नोशनल लॉसेज इज इडियोटिक। तो कहने का मतलब ये है कि इनको सोच विचार से बात करनी चाहिए, और ये हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसपे ऊपर जेटली साहब ने आरोप ना लगाया हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, किसी और दिन याद दिलाऊंगा उन्होंने लिंगडो साहब के बारे में क्या कहा था, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो उन्होंने जजेस के बारे में क्या कहा। लेकिन मैं आज याद दिलाना चाहता हूं जेटली साहब को कि इतिहास अपना मत भूलिए, क्योंकि फिर अगर आप भूल जाएंगे तो नुकसान आपको ही होगा। फिर बड़ी चर्चा हो रही है एक दूसरी बात की कि भाई स्क्रीनिंग कमेटी ने ये कर दिया, स्क्रीनिंग कमेटी ने वो कर दिया, कोई प्रोसीजर ही नहीं था, धांधलेबाजी बड़ी हो रही थी, कोई गाइडलाइंस ही नहीं थी। तो मैं आज आपके सामने और तथ्यों के साथ, क्योंकि इधर उधर की बात नहीं होगी, जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको मैंने दिया है उसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी की गाइडलाइंस हैं 1998 से लेकर 2004 तक, वो मैंने आज आपके सामने रखी है। और मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो लगेगा कि ये तो घर बैठे फैसले हो रहे थे, कोई फॉर्मल प्रोसीजर था ही नहीं। मीटिंग बैठी, किसी ने कहा साहब मुझे ये कोल ब्लॉक चाहिए, चलिए आपको दे दिया, ऐसे फैसले हो रहे। और फिर मैं आपको अपनी गाइडलाइंस बताऊंगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया ये बताओ कि सारे आप 1998 से 2004 जो भी कोल ब्लॉक्स दिए हैं और जो भी पावर प्लांट लगे हैं, जो भी स्टील प्लांट लगे हैं, सबको हम रद्द कर दें, हजारों करोड़ का नुकसान करा दें देश का, यही आपकी सोच है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आपको ताज्जुब होगा, एक मेगावाट बिजली पैदा करने में 5 करोड़ लगता है इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़। तो अगर आप 500 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे तो 2500 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट होगा केवल पावर प्लांट में। मैं माइनिंग की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग है। 10,000 मेगावाट का प्लांट लगाओगे, 2-4 प्लांट लगाओगे तो उसका 50,000 करोड़। और यहां जो फैसला हुआ था कि लगभग 20,000-25,000 करोड़ मेगावाट पावर प्लांट लगाने का था, मतलब कितना, 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उनके फाइनेंशियल क्लोजर हो गए, चाहे वो अभी पावर प्लांट चालू हुए या नहीं, फाइनेंशियल क्लोजर हो गए, कुछ बन रहे हैं, कुछ बनने वाली है, कुछ बन गए हैं, कुछ तो बन चुके हैं, उनके पास कोल नहीं है। तो वो 1,00,000 करोड़ में आपको मालूम है 30% तो इक्विटी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट की होती है और 70 लोन होता है, तो उसमें 75,000 करोड़ तो शायद लोन ही होगा बैंकों का और 25,000 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसको रद्द कर दें। ये बीजेपी की सोच है, ये देश के प्रति इनकी सोच है। पावर सेक्टर को सब खत्म कर दो, स्टील सेक्टर को खत्म कर दो। स्टील सेक्टर की आपको बात बताऊं, स्टील सेक्टर में 1 मिलियन टन अगर आप स्टील पैदा करो तो उसका 4,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। अगर पिग आयरन नॉन कोकिंग कोल करो तो 500 करोड़ पर मिलियन टन है, हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट। लोग स्टील प्लांट लगा रहे हैं, लगा चुके हैं, इतने वर्षों से लगा चुके हैं, सब रद्द करते हैं। जब आप खुद उन नीतियों के आधार पे आप कैप्टिव फ्लोर प्लांट दे रहे थे, अब ये देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और मैं ये सवाल पूछता हूं जेटली साहब से, विल मिस्टर जेटली टेल अस अंडर व्हाट ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर द एलोकेशंस फॉर कोल ब्लॉक्स वाज मेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी इन इट्स 14th मीटिंग हेल्ड ऑन 18th-19th June 1999, जब ये सत्ता में थे, टू नाम Messrs. Monnet Ispat Limited, 2. Messrs. Jaiswal Neco Limited, 3. Messrs. Cranston Technology Limited, इनसे पूछो कौन सी गाइडलाइन के आधार पर इन्होंने दिया थे।
इन पार्टीज को।